ये है वो गुफा जहाँ पे हम लोग अभी अंदर जाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड आज मैं टाइगर हिल आया हुआ हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड आज टाइगर हिल का ब्लॉग बनाऊंगा। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं टाइगर हिल के बारे में ये बता दूं कि यहाँ पे टिकट वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्री एंट्री है। तो चलिए हम लोग एंट्री करते हैं इसी गेट से। मेरे पीछे ये गेट है, तो चलिए फ्रेंड इस गेट से हम लोग एंट्री करते हैं टाइगर हिल और आज टाइगर हिल घूमते हैं। और ये जो गेट के पास खड़े हैं ये टाइगर हिल का मालिक है। एक तरह की ये देखभाल यही करते हैं। इनका नाम है पंकज। क्या पंकज जी, ठीक है? हाँ ठीक है, तो आते हैं टाइगर हिल घूम के। ठीक है, जाइए। है वहाँ पे अंकल, जाओ ना, वो दोनों भाग गया। पूरा बेटा खोल पी रहे। फ्रेंड ये टाइगर हिल है जहाँ पे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। इस तरफ कैंटीन वगैरह है। फ्रेंड एक रास्ता ऊपर जाने का ये है, लेकिन हम लोग जाएंगे इस रास्ते से। हम लोग इस रास्ते से ऊपर जाएंगे क्योंकि मेन रास्ता जो है वो यही है। यहाँ पे बैठने के लिए बनाया हुआ टेबल है जो सीमेंटेड है। ये रास्ता है फ्रेंड, इसी रास्ते से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। और ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं बिल्डिंग, ये ज्योतिर्नाथ टैगोर जी का ये बनाया हुआ था जहाँ पे वो रहा करते थे। आइए हम लोग इसके बैक डोर से देखते हैं। दीवारों पे देखिए झारखंड की कलाकृतियां बनी हुई हैं। फ्रेंड आप लोग कुछ दूर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक पेड़ मिलेगा जहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे काफी खूबसूरत है
और जगह भी है यहाँ पे बैठने के लिए भी है। और ये पेड़ ऐसा है जैसे कि यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आप कुछ देर आराम कर सकते हैं, काफी खूबसूरत है। और यहाँ पे ये फूलों का पेड़ है, पता नहीं कौन सा पेड़ है, ये तो मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि ये कौन सा पेड़ है, काफी खूबसूरत है फ्रेंड। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं फ्रेंड। ये वही सीढ़ियां हैं जहाँ से हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। और आज काफी गर्मी भी है और दोपहर के 12 बजे हैं और गर्मी का दिन है, तो काफी गर्मी है फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड अब ऊपर चलते हैं। और ये छत है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं छत पे। और ये छत से नजारा देखते हैं टाइगर हिल का कैसा है। यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है। काफी खूबसूरत फूल है ये। फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं, ये टाइगर हिल का चोटी समुद्र तल से लगभग 300 फीट ऊंची है। जहां से काफी खूबसूरत नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड अभी काम चल रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, जहाँ पे हम लोगों को जाना अभी मना है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं चढ़ेंगे, हम लोग यहीं से दिखा दे रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो फ्रेंड ये टाइगर हिल का सबसे ऊंचा हिल है जहाँ से आप लोगों को लगभग पूरी रांची आप लोगों को दिखाई दी। ये टाइगर हिल के बैक साइड एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, ये है वो गुफा जहाँ पे हम लोग अभी अंदर जाएंगे। वाह, यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है। ये वो गुफा है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे काफी गंदगी है। तो फ्रेंड अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। फ्रेंड आज काफ़ी गर्मी है और मैं इस गर्मी में आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड टाइगर हिल आने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रांची आना होगा, और रांची आने के लिए आप लोग यहाँ पर हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, और बस की भी सुविधा है। रांची आने के बाद आप लोगों को
ऑटो मिल जाएगी जहाँ से आप लोग इजी वे में टाइगर हिल पहुँच सकते हैं। तो आप लोगों को तीनों चीज़ अवेलेबल है, आप लोग किसी भी महीने में यहाँ पे आ सकते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड इधर भी एक रास्ता है, चलिए देखते हैं ये क्या कहां तक जाती है। यहां पे बैठने के लिए बना हुआ है, कैंटीन की सुविधा है पर आज कैंटीन बंद है। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, अब आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। और हाँ फ्रेंड, मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।